प्रधान सचिव इंजीनियर नहीं होता। भ्रष्टाचार इस कदर है व्याप्त कि दूसरी बार ये पुल गिरा। पहले भी दो तीन पुल टूटे हैं बिहार में बड़े, तो क्या हुआ? हमारी जांच रिपोर्ट कहाँ है? बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग, संपूर्ण रूप से सभी लोग इसमें दोषी हैं, कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्रधान सचिव कोई इंजीनियर नहीं होते कि उन पर यह दोषारोपण होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में पुल गिरा और सियासत काफी तेज हो रही है। काफी जो लोग हैं वो प्रधान सचिव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो अब उनके समर्थन में, यानी प्रधान सचिव के समर्थन में उतर गए हैं बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, और कह रहे हैं कि देखिए उनका कोई दोषी नहीं है, वो कोई दोषी नहीं है क्योंकि वो इंजीनियर नहीं है। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं सुधाकर सिंह, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। मैं राजनीतिक दलों की बात को अगर छोड़ दें तो प्रधान सचिव पर क्यों सवाल होना चाहिए? प्रधान सचिव इंजीनियर नहीं होता। इंजीनियर जो डिजाइन किए हैं या जो निर्माण में संलग्न लोग हैं उन पर यह आरोप जाता है। अब सवाल ये है कि सिस्टम का फेलियर पर, तो सिस्टम के फेलियर पर तो हम लोग का कहना ही है कि पूरे बिहार में निर्माण के क्षेत्र में हो भ्रष्टाचार इस कदर है व्याप्त कि दूसरी बार ये पुल गिरा। दूसरी बार, पहली बार भी गिरा था जब हमारी सरकार नहीं थी राष्ट्रीय जनता दल की, तब हमारे विपक्ष के नेता और हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने सवाल किया था और आज भी है सवाल। तो ये प्रधान सचिव का मसला नहीं है, ये बिहार में इंजीनियरिंग विभाग में जो इस्टीमेट का लूट है, जिस तरह से इस्टीमेट ओवर इस्टीमेटिंग करना और एक संगठित लूट तंत्र को जिसने स्थापित किया, और इसमें सभी दोषी हैं। इसमें दोष किसी व्यक्ति पर क्यों चिन्हित किया जा रहा है? जो व्यक्ति इसमें दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं है, अगर रिश्ता उनका है तो सभी लोग का फिर रिश्ता है, फिर मुख्यमंत्री का भी रिश्ता है, मुख्यमंत्री ने उनको अपॉइंट किया है, तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बच रहे हैं? तो ये तो बलि का बकरा ढूंढने जैसी विषय हुआ। विषय ये है कि यह टूटा है दूसरी बार, और इससे पहले भी दो तीन पुल टूटे हैं बिहार में बड़े, तो क्या हुआ? हमारी जांच रिपोर्ट कहाँ है? हम क्या प्रिकॉशन लिया हम लोगों ने? हमने कोई स्ट्रैटेजी बदला नहीं, इसलिए नहीं बदला कि जो ये लंबे समय से एक दोषारोपण की राजनीति होती रही, तथ्यपरक तरीके से इसकी हम लोग जाँच करने का कोशिश नहीं किया कि मसला क्या है, दोषी कौन है, क्या दोषी पर कार्रवाई होगी? संपूर्ण सिस्टम फेल किया है, सरकार दोषी है। बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग, संपूर्ण रूप से सभी लोग इसमें दोषी हैं, कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। इसीलिए यह गहन अध्ययन होना चाहिए कि किसके स्तर पे सबसे बड़ा फेलियर है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्रधान सचिव कोई इंजीनियर नहीं होते कि उन पर यह दोषारोपण होना चाहिए। बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी मंत्रालय में काम को सही से नहीं होने देते हैं, तमाम मंत्रालय में उनका दबदबा है। उनका बीजेपी का आरोप सही है, लेकिन वह बीजेपी 18 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बना के रखी? तो दोषी कौन हुआ इसमें? भारतीय जनता पार्टी दोषी हुआ, बीजेपी दोषी हुआ, जो 18 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार में बना के रखा। तो जो बनाने वाले लोग हैं वो दोषी हैं, बनने वाला दोषी नहीं। अगर उनकी क्षमता नहीं थी, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, अच्छे प्रशासक नहीं थे, जो आरोप है बीजेपी का, तो उस व्यक्ति को क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री बना के रखा? इसीलिए मैंने कहा संपूर्ण रूप से व्यवस्था फेल किया है। इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, दोषारोपण करने से नहीं काम चलेगा। इस बिहार की जनता का 1750 करोड़ रुपया इसमें डूबा है, ये सवाल सभी से होना चाहिए, पक्ष के रूप में विपक्ष के रूप में। हम विधानसभा के भीतर बैठते हैं, हम भाषणों में शामिल होते हैं, हम कटौती प्रस्ताव में शामिल होते हैं, हम बजट पास करते हैं विधायिका के रूप में, हम संपूर्ण रूप से इस सिस्टम को फेल करने में हम सहभागी लोगों में से हैं, उसमें मैं भी एक आदमी हूँ। तो अभी आप बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को सुने थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरा सिस्टम फेल कर गया है। उतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार में जो लोग हैं वो लोग दोषी हैं। उतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगर तार जुड़ा हुआ है तो भी इसमें दोषी है। तो देखिए सरकार पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं।
सुधाकर सिंह। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्टडी के साथ। लाइव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।